हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप राज चंद्राकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो जिस तरीके से कल के वीडियो में रिस्पांस मिला आप लोगों का, है ना, तो वैसा ही रिस्पांस मिलते रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, है ना। और टिल नाउ मैं आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन तक की बातें बता चुका हूँ, सिंपल मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, और जितनी बातें मैं बताया हूँ, है ना, उसमें आप आराम से कोई भी सवाल बना सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ गियर्स के बारे में, ठीक है ना। सो मैं बस यही कहूँगा कि जितनी बातें इससे पहले बताया हूँ उसको अच्छे से आप रिविज़न कीजिए, और आपको अगर एक टेक्स्ट बुक चाहिए, है ना, जिससे सवाल बनाना है, तो आप या तो RS खुर में उठा लीजिए या SS रतन उठा लीजिए, वहाँ से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाइए साथ के साथ, प्रीवियस ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। और उसको जस्ट रिविज़न करते रहो, टेस्ट सीरीज लगाओ, तभी जाके आपका वो समझ में आएगा कि कितना प्रिपरेशन किए हैं। अब देखिए, आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज योर गियर्स। सो मैं आज अगर मैं बोलूं, सो थ्योरी ऑफ मशीन में गियर ट्रेन से ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा बेसिक ऑफ गियर आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूं गियर, गियर क्या होता है, गियर इज अ पॉजिटिव ड्राइव। गियर को एक पॉजिटिव ड्राइव कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो होता है, जो ट्रांसमिटिंग आपका एंगुलर वेलोसिटीज है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं इट इज अ पॉजिटिव ड्राइव, पॉजिटिव ड्राइव, और इसको पॉजिटिव ड्राइव बनाने के लिए सबसे बड़ा चीज जो है वो है इसके टूथ। टूथ तो आपका जो दो टूथ के बीच में गियर में जो पेयरिंग होता है वो हायर पेयर होता है। वो कैसा होता है, हायर पेयर। सो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू टूथ विल बी ऑलवेज अ हायर पेयर, इट विल बी ऑलवेज कंसिडर एज हायर पेयर। सो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू टूथ इज ऑलवेज हायर पेयर। और ये जो पॉजिटिव ड्राइव होता है, ये पॉजिटिव ड्राइव इसलिए कहलाता है बिकॉज जो ट्रांसमिटिंग एंगुलर वेलोसिटीज हैं वो कांस्टेंट रहने वाला है। ओमेगा वन डिवाइड बाय ओमेगा टू विल बी योर कांस्टेंट। अगर मैं कहूं डियर, अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल, जस्ट अभी रोटेटिंग बॉडी, ये गियर नहीं, दो रोटेटिंग बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है इस तरीके से, ये इस तरीके से। लेट अस अज्यूम इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और ये ओमेगा वन से चल रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है ओमेगा वन से, सो इस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, लेट अस अज्यूम यहां पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसको मैंने ए बोला, ए इज द योर व्हाट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। सो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका, अगर ये इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो इसका पॉइंट ए का वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस बॉडी के अलावा, इस बॉडी में भी है, इस बॉडी के अलावा इस बॉडी में भी है। सो यार एक पॉइंट की वेलोसिटी तो एक ही होगी ना, और वो नीचे की ओर, मतलब मजबूरी है ये पर्टिकुलर बॉडी का इस डायरेक्शन में मूव करना ओमेगा टू। ये गारंटी है कि ये इधर ही मूव करेगा, और ये इसकी गारंटी है कि ये इधर ही मूव करेगा। सो ओमेगा वन ओमेगा टू, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ऐसे देख सकते हैं। साथ के साथ अगर ये वेलोसिटी सेम है, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम है, सो वी इक्वल टू, आई कैन राइट ओमेगा इंटू R1, ओमेगा वन इंटू R1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा टू इंटू R2। सो यहां से मैं कह सकता हूं ओमेगा वन डिवाइडेड बाई ओमेगा टू इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1, एंड एज द रेडियस ऑफ दिस बॉडीज आर नॉट गोइंग टू चेंज, देन इट शुड बी वॉट
कांस्टेंट कांस्टेंट। सो अगर ये फॉलो कर रहा होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है पर्टिकुलर मेरा जो बॉडी है वो पॉजिटिव ड्राइव है, ये जो पर्टिकुलर आपका ड्राइव है वो पॉजिटिव ड्राइव है, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लोड बढ़ाते जाऊँगा ना तो ये स्लिपिंग हो जाएगा, स्लिपिंग होगा, व्हेन एवर देयर विल बी स्लिपिंग, है ना, अगर स्लिपिंग हुआ, सो ओमेगा वन बाई ओमेगा टू विल नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा और आई कैन से आर टू बाई आर वन के बराबर नहीं होने वाला है। कब? जब स्लिपिंग होगा, ठीक, स्लिपिंग होगा, इफ स्लिपिंग ऑकर्स, सो ये पर्टिकुलर कंडीशन है जिस पे ये आपका निगेटिव ड्राइव कहलाता है, ये निगेटिव ड्राइव कहलाएगा। सो गियर कभी भी निगेटिव ड्राइव नहीं हो सकता डियर, गियर आपका हमेशा पॉजिटिव ड्राइव रहेगा। निगेटिव ड्राइव के कैटेगरी में अगर मैं बोलूं तो आपका बेल्ट ड्राइव इज अ निगेटिव ड्राइव, उस पे ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो देयर विल बी स्लिपिंग, ठीक। सो गियर में दिस विल बी द ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक। सो आपका इस तरीके से गियर रहेगा। अब देखिए, अगर मैं गियर में बात करूं तो आपका जो गियर का क्लासिफिकेशन, जस्ट बेसिक पता होना चाहिए, जस्ट बेसिक, कि भाई अगर मैं क्लासिफाई करूं गियर, है ना, जस्ट सुनते जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको रिविजन कर लीजिएगा, पता होना चाहिए कि कब कौन से टाइप का गियर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर कहूं, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर कहूं, सो आपका देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ शाफ्ट गोइंग टू कनेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ शाफ्ट गोइंग टू कनेक्ट, आप दो शाफ्ट को विद द हेल्प ऑफ गियर जो कनेक्ट करने वाले हो, है ना, तो उसके एक्सिस के ओरिएंटेशन के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं गियर को। अगर आपके दो शाफ्ट के एक्सिस पैरेलल हैं एक दूसरे से, ठीक, सो नंबर वन शाफ्ट एक्सिस आर पैरेलल, ठीक, जो दो शाफ्ट आप कनेक्ट करने वाले हो अगर वो पैरेलल है, अगर वो पैरेलल है, सो यहां पे आप विद द हेल्प ऑफ टू गियर्स आप कनेक्ट कर सकते हो। नंबर वन इज योर स्पर गियर, यहां पे दो गियर पॉसिबल है, एक होगा स्पर गियर, स्पर गियर, और सेकेंड आपका होगा दैट इज योर हेलिकल गियर, हेलिकल गियर, हेलिकल। देखिए, अगर मैं कहूं स्पर गियर इज यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट और द शाफ्ट विच इज हैविंग व्हाट एक्सेस, उसके क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, सो उसको कनेक्ट करने के लिए आप स्पर गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हेलिकल गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर और हेलिकल गियर में आपस में क्या अंतर है, इस पे जो टीथ होंगे वो स्ट्रेट है और पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट होंगे, टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट, टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्सेस ऑफ शाफ्ट,
एक्सेस ऑफ शार्क। ठीक, अगर मैं हेलिकल गियर के बारे में बात करूंगा, सो इस पे टीथ आर स्ट्रेट बट इंक्लाइन टू द एक्सेस ऑफ द शार्क, बट इंक्लाइन टू द एक्सेस ऑफ द शार्क, टीथ आर स्ट्रेट बट इंक्लाइन टू एक्सेस ऑफ शार्क। किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा ना इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा होगा इससे पहले इस पर गियर वगैरह, है ना। सो अगर मैं कहूं ये देखिए, अगर ये दो गियर है, ये आपका एक शाफ्ट एक्सिस है, लेट अस अज्यूम ये दूसरा शाफ्ट एक्सिस है। सो आपका इस पे जो टीथ होंगे वो सीधे होंगे और पैरेलल टू द, ये टीथ हो गए भाई, ये टीथ हो गया, ये टीथ हो गया, ये टीथ हो गया। सो टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, तो ये स्पर गियर होगा। ठीक, सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पर गियर, स्पर गियर। अगर मैं कहूं आपको हेलिकल गियर, सो एज पर द डेफिनेशन टीथ आर स्ट्रेट बट इंक्लाइन टू द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट, जैसे कि ये दो शाफ्ट एक्सेस हैं, ऑब्वियसली पैरेलल एक्सेस होने चाहिए शाफ्ट के, यस सर पैरेलल हैं। अब इस पे टीथ सीधे तो होंगे, स्ट्रेट तो होंगे, बट इंक्लाइंड होगा लाइक दिस, इस तरीके से रहने वाला है, ये इस तरीके से रहने वाला है। नाउ माय डियर, ये जो इंक्लिनेशन एंगल है आपका, देखिए ये शाफ्ट एक्सिस से इंक्लाइंड है, यही आपका कहलाता है हेलिकल एंगल, हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल, यही आपका क्या कहलाएगा, हेलिक्स एंगल। तो आपका जो टीथ है वो इंक्लाइंड है शाफ्ट एक्सिस से, कितना इंक्लाइंड है ना, वो इंक्लिनेशन क्या कहलाता है, हेलिक्स एंगल। अब देखो मुद्दा यह है कि सर आपका दोनों कंडीशन, दोनों में कंडीशन तो सेम है कि एक्सेस ऑफ द शाफ्ट आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर, है ना, जिसको आप कनेक्ट करने जा रहे हो। सो इस पे भी बोले आपने टीथ स्ट्रेट है, उस पे भी बोला टीथ स्ट्रेट है, और एक चीज और बोला कि ये टीथ स्ट्रेट है लेकिन इंक्लाइंड है एक्सेस ऑफ द शाफ्ट, यहाँ पे जो टीथ है वो स्ट्रेट है और पैरेलल टू द शाफ्ट है। यस सर, हमको दिख गया कि यहाँ पे टीथ स्ट्रेट है और पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट है, यही वाला टीथ स्ट्रेट टीथ को जस्ट इंक्लाइन कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, है ना, कितने पे, हेलिक्स एंगल पे, हेलिक्स एंगल पे मैंने इंक्लाइन कर दिया। सो ये क्या कहलाएगा, आपका हेलिकल गियर कहलाएगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग बना रहे हैं तो कुछ तो अलग होगा भाई, ये तो एज पर द डेफिनेशन हुआ, ये अलग अलग जरूरत क्यों पड़ी, दिस इज द फिगर ऑफ व्हाट, हेलिकल गियर। देखिए ये दोनों की अलग अलग जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज जो स्पर गियर है ना, इस पे सडन इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट होगा, सडन मतलब इंपैक्ट लोड आएगा, और अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है तो इंपैक्ट फैक्टर, मिनिमम इंपैक्ट फैक्टर कितना होता है, दो। सो नॉर्मल स्टैटिक कंडीशन में जो स्ट्रेस आने वाला है वो मिनिमम ड्यूरिंग द इंपैक्ट टू टाइम्स हो जाएगा, मिनिमम टू टाइम्स। सो यहां पे आपका जो इंपैक्ट स्ट्रेस आएगा वो ज्यादा होगा, चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई, सॉरी सॉरी, है ना। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि यहां पे इंपैक्ट स्ट्रेस आएगा बिकॉज इन केस ऑफ स्पर गियर सडन इंगेजमेंट एंड डिस इंगेजमेंट। सो स्पर गियर साइड ही लिखिएगा, स्पर गियर साइड ही लिखना है आपको, सडन इंगेजमेंट एंड डिसंगेजमेंट, ठीक। सो आपका इंपैक्ट स्ट्रेस आएगा, जल्दी फेल हो जाएगा, साथ के साथ नॉइस क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, सो नॉइस भी आएगा, वाइब्रेशन भी आएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक।
इसको ना आप हाई पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाई पावर ट्रांसमिशन हाई स्पीड में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, आप सभी गाड़ी चलाते होंगे, बाइक वगैरह देखे हैं एटलीस्ट सभी, है ना। अगर मैं कहूँ तो आप बाइक को देखे होंगे, तो बाइक यार हाई स्पीड में चलने वाला है, तो वहाँ पे आप इस पर गियर इस्तेमाल नहीं करते, आप इन जनरल हेलिकल गियर प्रिफर करते हैं, वहाँ पे हेलिकल गियर के लिए जाने वाले। सो इट इज़ नॉट यूज फॉर द हाई पावर ट्रांसमिशन, नॉट यूज फॉर। हाई पावर ट्रांसमिशन, हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सो सर हेलिकल गियर में क्या है, हेलिकल गियर में आपका जो सडन इंगेजमेंट डिसइंगेजमेंट वो नहीं होता, आपका हेलिकल गियर में ग्रेजुअल इंगेजमेंट डिसइंगेजमेंट होने वाला है, ठीक है ना। है ना, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, ये वाला पोर्शन इरेज करता हूँ मैं। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि इन केस ऑफ हेलिकल गियर, इन केस ऑफ हेलिकल गियर आपका जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होगा वो ग्रेजुअल होगा। सो ये हेलिकल साइड लिखना, हेलिकल साइड, ठीक है, हेलिकल साइड लिखना है भाई, ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड डिस एंगेजमेंट, ठीक है सर। सो नॉइस नहीं रहेगा, इट कैन बी यूज फॉर द हाई पावर ट्रांसमिशन, हाई पावर ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज फॉर हाई, यूज फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है भाई, ठीक। सो ये आपका हेलिकल गियर के लिए होने वाला है, ठीक। होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मैं पूरा इरेज करके बात करता हूँ वापस। अभी मैंने बताया कि आपके जो शाफ्ट एक्सेस हैं वो पैरेलल है, तब बात किया। अगर शाफ्ट एक्सेस आर इंक्लाइंड विथ ईच अदर, है ना, आपका इंटरसेक्ट कर रहा है और इंक्लाइंड है, तब कैसे होगा, है ना, किस तरीके का गियर होता है, बात करता हूँ। नाउ माय डियर, सेकेंड कंडीशन, शाफ्ट एक्सिस आर इंक्लाइंड एंड इंटरसेक्टिंग, एंड इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब देखिए आपके जो शाफ्ट एक्सिस होंगे वो कैसा है, आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, इंक्लाइंड है और इंटरसेक्ट कर रहा है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो दो गियर मिलते हैं वो एक कॉनिकल सरफेस पे होगा, और वो उस तरीके का जो गियर होता है वो कहलाता है बेवेल गियर। कैसा गियर कहलाता है, बेवेल गियर। ये आपका बेवल गियर है, ठीक, बेवल गियर। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन, कि दो इंक्लाइन शाफ्ट अगर यूज, दो इंक्लाइन शाफ्ट है जिसको कनेक्ट करना है, सो आपको किस तरीके की गियर की जरूरत पड़ने वाली है, बेवल गियर। सो बेवल गियर में भी आपका टीथ अगर स्ट्रेट है और कोइंसाइड हो रहा है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट से, सो वो कहलाएगा सिंपल बेवल गियर। और अगर हेलिकली मतलब इंक्लाइंड है टीथ, तो वो कहलाएगा हेलिकल बेवल गियर।
सो इस पे भी दो तरीके से हो सकता है आपका जो बेवल गियर है, सिंपल अगर सिंपल वे में बोलूँ और भी पॉसिबल है भाई, लेकिन इतना बस आपको ध्यान रखना है, एक होगा सिंपल बेवल गियर, एक होगा आपका हेलिकल बेवल गियर। ठीक, सो आपका जो सिंपल बेवल गियर है टीथ आर स्ट्रेट एंड कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। टीथ आर स्ट्रेट एंड कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। हेलिकल बेवल गियर, टीथ आर स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, तो ये हेलिकल बेवल गियर कहलाएगा। ठीक, आगे अगर मैं बोलूं आपके अगर शाफ्ट एक्सिस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ये कंडीशन है। शाफ्ट एक्सिस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, सो ये वाला जो कंडीशन होता है एक शाफ्ट ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन स्क्यू कंडीशन कहलाता है, इसी को स्क्यू कंडीशन बोल देते हैं। तो स्क्यू वर्ड अगर आगे आप सुनोगे तो उसका मतलब है ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, सो स्क्यू कंडीशन। सो इस समय ना आप स्क्यू कंडीशन, मतलब स्क्यू कंडीशन में शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए दो तरीके के गियर्स आप इस्तेमाल किए जा कर सकते हैं, एक होता है आपका हाइपॉइड गियर और एक होता है क्रॉस्ड हेलिकल गियर। हाइपॉइड गियर एंड एक होता है आपका क्रॉस्ड हेलिकल गियर, स्क्यू कंडीशन में यूज होता है क्रॉस्ड हेलिकल गियर। अगर हाइपॉइड गियर के कैटेगरी में ही आगे बढ़ोगे तो आपको एक दिखता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। सो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील इज यूज टू व्हाट, टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। यस सर। ठीक, सो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये आपका यूज होता है फॉर वेरी हाई स्पीड रिडक्शन। सो कभी भी आप क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि कौन सा गियर आपका हाई स्पीड रिडक्शन के लिए यूज होगा, है ना, अगर मैं बोलूं मोर देन 20 हाई स्पीड रिडक्शन, मतलब मोर देन 20 आपका स्पीड रिडक्शन के लिए आप यूज करोगे क्या, वार्म एंड वार्म व्हील। ठीक, सो इट इज वार्म एंड वार्म व्हील, इट इज वेरी हाई स्पीड रिडक्शन, स्पीड रिडक्शन गियर्स। ठीक, जब भी आपको जो भी सवाल में आपको दिखा कि हाई स्पीड रिडक्शन हो रहा है, सो वार्म एंड वार्म व्हील का इस्तेमाल हो रहा होगा। क्लियर है ना। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन, जो जस्ट एकदम जनरल टर्म में इसको और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है भाई आपको एग्जाम निकालना फिलहाल, ठीक है ना। तो इतना काफी है, इतना काफी है, नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक,
यस अब देखिए, आपका थोड़ा सा ना गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्या क्या नाम होता है, ये जस्ट बेसिक पता होना जरूरी है भाई अगर आप गियर पढ़ रहे हैं तो। सो हेडिंग डाल लीजिए गियर टर्मिनोलॉजी। अच्छा ठीक है, इस तरीके से है, लेट अस एज्यूम, है ना, ये दो टीथ मैंने दिखाया गया है। सो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका टीथ है, ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है टॉप लैंड। टॉप लैंड गियर का ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, टॉप लैंड। नाउ माय डियर, आप अगर देखोगे एक सर्कल ऊपर जो टॉप लैंड को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करोगे, एक सर्कल टॉप लैंड को टच करते हुए एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हो, ये सर्कल, सो ये कहलाता है अडेंडम सर्कल। अडेंडम सर्कल, ठीक। आपका कहीं एक इमेजिनरी सर्कल होता है, एक इमेजिनरी सर्कल होता है, ये कहलाता है पिच सर्कल। ये है पिच सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल है ना, ये जैसे मैं फिजिकली बोल सकता हूं ऊपर, अगर ऊपर से आपका एक सर्कल मैं दिखाऊं कि यहां से आपका एक सर्कल अगर जा रहा होगा तो अडेंडम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं बता सकता हूं कि यहां से आपका अडेंडम सर्कल जाएगा, लेकिन फिजिकली ऐसी देख के, गियर का टीथ देख के, मैं ये नहीं बोल सकता कि पिच सर्कल यहां से जाएगा। पिच सर्कल आपका एक इमेजिनरी सर्कल है, जो मेजर करने के तरीके हैं, जैसे अगर मैं बोलूं, आप मेट्रोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो मेट्रोलॉजी में मैं आपको पीच और ये सब मेजर करने का बताया था थ्रेड का, सिमिलरली गियर का भी मेजर किया जाता है, ठीक है ना। सो आपका एक पिच सर्कल, वो पिच पॉइंट से आपका एक सर्कल गुजरेगा, वो कहलाएगा आपका पिच सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल होता है भाई। और आपका जो प्योर रोलिंग होता है गियर में, वो पिच सर्कल के अबाउट होता है। गियर में दो तरीके के मोशन होंगे, थोड़ा सा स्लाइडिंग और प्योर रोलिंग। सो प्योर रोलिंग जो पॉसिबल है, दैट इज अबाउट पिच सर्कल, दैट इज अबाउट पिच सर्कल। एक बॉटम सरफेस से अगर सर्कल जाता है यहां से, सो ये कहलाता है डेडेंडम सर्कल।
और इसी को कहा जाता है रूट सर्कल, डेडेंडम सर्कल और रूट सर्कल। ठीक, आपका थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गियर टीथ, है ना, गियर टीथ को जब काटोगे सो थोड़ा सा यहाँ पे फिलेट आपका थोड़ा सा जगह दिया जाता है। आप देखे होंगे इन जनरल गियर टीथ अगर देखे होंगे सो हल्का सा ऐसा यहाँ से बेंड रहता है, टू रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, टू रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इसको फिलेट दिया जाता है। सो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है वो है आपका क्लियरेंस, ये पोर्शन कहलाएगा क्लियरेंस और इसको कहेंगे क्लियरेंस सर्कल, क्लियरेंस सर्कल। ठीक, ये आपका क्लियरेंस होगा। ये क्लियरेंस होगा। ठीक, नाउ माय डियर, आपका जो पीस सर्कल है, पीस सर्कल में अगर ये तो सर्कल हुआ, एक लाइन हुआ, इस पे अगर मैंने इस पे एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, मतलब आप सोचिए इस लाइन को ना पीछे की ओर एक्सट्रूड करते गया, सो ये एक सरफेस बनेगा, इस लाइन को, ये पर्टिकुलर पॉइंट को इधर एक्सट्रूड करूंगा सो एक सरफेस बनेगा। ऑब्वियसली दिस इज योर पीच सरफेस, दिस इज योर पीच सरफेस। सो पीच सरफेस के ऊपर वाले पोर्शन को, इसको कहा जाता है गियर का फेस, और उसके नीचे वाले पोर्शन को गियर का कहा जाता है फ्लैंक। मतलब पीच सर्कल से एक पीच सरफेस बना, सो ऊपर वाला जो सरफेस है उसके वो कहलाता है फेस, और नीचे वाला सरफेस जो होता है वो कहलाता है फ्लैंक, वो कहलाता है फ्लैंक। और माय डियर, आपका जो पीस सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है अडेंडम, इसको कहते हैं अडेंडम, ये रेडियल जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं अडेंडम। और आपका पीस सर्कल से डेडेंडम सर्कल तक का डिस्टेंस कहलाता है डेडेंडम। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना रहेगा। अब लिख लीजिए पीस सर्कल के बारे में, लिख लीजिए, लिख लीजिए, दो लाइन लिख लीजिए। पीस सर्कल इज एन इमेजिनरी सर्कल, पीस सर्कल इज एन इमेजिनरी सर्कल, पीस सर्कल इज एन इमेजिनरी सर्कल अबाउट विच प्योर रोलिंग इज पॉसिबल, अबाउट विच प्योर रोलिंग इज पॉसिबल। ठीक, पीस सर्कल के बारे में हमको पता चला। सेकेंड, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म था पीस सर्कल, सेकेंड सर्कुलर पिच, पीसी, सर्कुलर पिच, ये जो सर्कुलर पिच होता है दिस इज नथिंग बट एक्चुअली अगर मैं बोलूँ, है ना, इसमें फिजिकली आप देखोगे सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द वन पॉइंट ऑन द टीथ एंड सेम पॉइंट ऑन द अदर टीथ, डिस्टेंस अलॉन्ग द पीस सर्कल इज नोन एज योअर सर्कुलर पिच। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोला हूँ, डिस्टेंस अलॉन्ग द पीस सर्कल, डिस्टेंस अलॉन्ग द पीस सर्कल, वन पॉइंट ऑन द वन टीथ, ओके, सेम पॉइंट, सेम इधर ही वाला सेम पॉइंट दूसरे टीथ में, कंजर्केटिव, दो कंजर्केटिव टीथ के बीच में देखना है। सो ये वाला टीथ में ये पॉइंट देखा, सो ये वाले टीथ में ये यही पॉइंट देखूंगा, ये पॉइंट नहीं देख सकते, ये पॉइंट देखोगे, सो ये वाला जो डिस्टेंस आइडिया ये कहलाता है सर्कुलर पिच, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, सर्कुलर पिच। ठीक, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच, ठीक, इसको पीसी से डिनोट करेंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्कुलर पिच क्या बोला मैं, इट इज द डिस्टेंस अलोंग द पीस सर्कल, वन पॉइंट ऑन द गियर टीथ एंड सेम पॉइंट ऑन द अदर गियर टीथ, है ना, अदर टीथ ऑफ द गियर, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है यही आपका सर्कुलर पिच होता है। मतलब आपका डिस्टेंस अलोंग द व्हाट, पीस सर्कल, और एक पॉइंट आपका गियर टीथ का और सेम पॉइंट दूसरे गियर टीथ का, यही वाला जो दूसरा टीथ रहेगा उसका सेम पॉइंट, सो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा आपका सर्कुलर पिच। ठीक,
एंड दिस सर्कुलर पिच मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा सो इट विल बी दिस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ऑफ द वन टीथ डियर, एक टीथ का थिकनेस और एक टीथ का स्पेस। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहां से अगर नीचे ड्रॉप किया सो दिस इज द टूथ थिकनेस, ये आपका टूथ थिकनेस कहलाएगा, इतना ये टूथ थिकनेस कहलाएगा और ये टूथ स्पेस कहलाएगा। दिस इज द टूथ स्पेस, ये आपका टूथ स्पेस है। ये टूथ थिकनेस है, टूथ थिकनेस। सो यहां पे अगर मैं बात करूं टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यही आपका सर्कुलर पिच है, मतलब एक टीथ वहां पे आपके रहने वाला है, एक टीथ का डिस्टेंस। सो अगर मैंने बोला लेट अस अज्यूम डी इज द डाय ऑफ द पीस सर्कल, सो आपका पीस सर्कल का पैरिमीटर पाई डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो एक एक सर्कुलर पिच इतना 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 वो कितने कितने के वो में बटने वाला है वो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ टीथ से अगर डिवाइड किया तो। पूरा पैरीमीटर को, पूरा पैरीमीटर को कितने नंबर ऑफ टीथ वहां पे आने वाला है उससे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं सर। यस ठीक, सो दिस इज माय सर्कुलर पिच वेयर डी इज द पिच सर्कल डाया, सर डी इज द पिच सर्कल डाया एंड टी इज द नंबर ऑफ टीथ नंबर ऑफ टीथ। ठीक, दो गियर आपस में अगर मेश कर रहे हैं है ना, सो फॉर द टू मेशिंग गियर और टू मेटिंग गियर द सर्कुलर पिच ऑफ द बोथ गियर शुड बी सेम, फॉर टू मेशिंग गियर सर्कुलर पिच ऑफ द बोथ द गियर शुड बी सेम, PC1 शुड बी इक्वल टू PC2। लेट अस अज्यूम तो ये हो जाएगा पाई D1 डिवाइडेड बाय T1 वेयर D1 इज द व्हाट पिच सर्कल डाय ऑफ द गियर नंबर 1 एंड T1 इज द नंबर ऑफ टीथ इन द गियर नंबर 1 शुड बी इक्वल टू पाई D2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक, सो यहां से पाई पाई कैंसल, सो मैं कह सकता हूं D1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय T2। एंड माय डियर फ्रेंड अगर मैं कहूं यहां पे है ना आपका D1 डिवाइडेड बाय T1। अच्छा एक चीज सुने होगी गियर और पिनियन, गियर और पिनियन। सो दो मेशिंग गियर में जो गियर बड़ा होता है उसको गियर या जस्ट व्हील कह दिया जाता है, है ना गियर ही कहते हैं मेनली। ठीक है, और जो छोटा वाला होता है उसको पिनियन कहते हैं। अगर दोनों का साइज सेम है तो कोई भी गियर कोई भी पिनियन हो सकता है। क्लियर है? ठीक, जो बड़ा गियर होता है उसको गियर कहते हैं, जो छोटा गियर होता है उसको पिनियन कहते हैं। अगर दोनों का साइज सेम है तो कोई भी गियर कोई भी पिनियन हो सकता है। क्लियर है? ठीक, और ये सर्कुलर पिच के बारे में मैंने बता दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए इरेज करता हूं। अच्छा ये भी अब आपने बना लिया होगा, सो ये मेनली रेस करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये सेकंड सर्कुलर पिच लिखे थे, ठीक है। थर्ड वन, एक होता है डायमेट्रल पिच, देखो डियर अगर मैं डायमेट्रल पिच के बारे में बात करूं तो ये पीडी से शो किया जाता है और ये आईएसओ यूज नहीं करता, हम यूज नहीं करते, ये ब्रिटिश यूनिट में यूज किया जाता था, है ना, मतलब किया जाता है। आपका डायमेट्रल पिच जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ, इसका रेसिप्रोकल होता है लेकिन उसमें भी पाई नहीं होगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पीस सर्कल डाया, और जो पीस सर्कल डाया होता है
वो इंचेस में रखा जाता है, उस पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इंचेस या एमएम, इन जनरल एमएम में रखते हैं है ना, लेकिन इस पे ये इंचेस में रहेगा ऑब्वियसली भाई, इंपीरियल यूनिट है ना। दो तरीके की यूनिट होते हैं, मैट्रिक यूनिट एंड इंपीरियल यूनिट। इंपीरियल यूनिट मतलब इंग्लिश यूनिट, दैट इज योर ब्रिटिश यूनिट, ठीक। सो वहां पे इस तरीके का यूज किया जाता है। अगर मैं जस्ट बोलूं इसका हम यूज नहीं करते भाई, हम यूज करते हैं सर्कुलर पिच का, सर्कुलर पिच का, ठीक। लेकिन अगर दोनों में रिलेशन जस्ट देखना चाहोगे तो कैसे दिखेगा, दैट इज योर पी सी इंटू, अगर पी डी किया, वे पी सी इज द वॉट, सर्कुलर पिच, पी डी इज द डायमेट्रल पिच, तो पी सी इज द पाई डी बाई टी, डी इज नाउ इंचेस। ये डी मैं सर्कुलर पिच में इसको इंचेस बना दिया भाई, क्योंकि इस पे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये इंचेस में ही रहना चाहिए, लेकिन इस पे ये क्राइटेरिया है कि ये इंचेस में ही रहेगा। सो इन टू टी बाई डी, ये इंचेस में है, ये भी इंचेस में, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, टी नंबर ऑफ टीथ है, सो ये कैंसिल हो गया, बचेगा पाई। सो आपका सर्कुलर पिच एंड डायमीटर पिच में डिफरेंस होता है पाई का, सर्कुलर पिच और आपका डायमीटर पिच का प्रोडक्ट होता है पाई के बराबर, ठीक। इसके अलावा एक टर्म आता है मॉड्यूल, मॉड्यूल एम से शो करेंगे। मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, टू द नंबर ऑफ टीथ, वेयर डी इज द पिच सर्कल डाया एंड इट शुड बी इन द एमएम, इट शुड बी इन द एमएम। नाउ माय डियर, ये तो हो गया मॉड्यूल, ये तो हो गया मॉड्यूल। और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर पिच फॉर द टू मेशिंग गियर शुड बी सेम, मतलब वहां से D1 बाई T1 इक्वल टू D2 बाई T2 आ रहा था, तो दो गियर आपके आपस में मेश हो रहे होंगे, उसका पी आपका सर्कुलर पिच क्या होगा, सेम होगा। सर्कुलर पिच क्या होगा, सेम होगा। अगर सर्कुलर पिच सेम है ना, मतलब D1 बाई फॉर टू मेशिंग गियर, मैशिंग गियर D1 बाई T1 इक्वल टू D2 बाई T2। सो यहां से अगर मैं कहूंगा D1 बाई T1 इक्वल टू D2 बाई T2, सो ये आपका क्या हो गया, मॉड्यूल ऑफ द गियर 1 एंड दिस इज द मॉड्यूल ऑफ गियर 2। और ये रिलेशन कहां से आया था, ये रिलेशन यहां से आया था, ठीक। सो आपका दो गियर आपस में अगर मेश होता है तो उसका मॉड्यूल हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिमेंबर दिस वन कि टू मेशिंग गियर, फॉर टू मेशिंग गियर मॉड्यूल ऑफ बोथ गियर शुड बी ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, क्लियर है, ठीक। ये इरेज करता हूं भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज नोन एज प्रेशर एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रेशर एंगल फाई से डिनोट करते हैं इन जनरल। प्रेशर एंगल क्या होता है आपका, अगर मैं बोलूं दो गियर आपस में कनेक्ट हो रहा है, अगर दो गियर आपस में कनेक्ट हो रहा है, सो उसका जो कांटेक्ट होता है वो पिच सर्कल का कांटेक्ट होता है। अगर मैं बोलूं ये एक गियर का पिच सर्कल है, पिच सर्कल 1 बोल दिया, दूसरे गियर का पिच सर्कल ये हो गया, लेट अस अज्यूम पिच सर्कल 2, इसका सेंटर यहां कहीं है, इसका सेंटर यहां कहीं है, इसको O1 बोल दिया, इसको O2 बोल दिया, ये दोनों को मिला दिया भाई सेंटर टू सेंटर, ये आपका पिच पॉइंट होगा डियर, ये आपका क्या है पिच पॉइंट पी, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम। सो आपका अगर मैं एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स देखूंगा गियर में, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स किस तरीके से जाएगा इसको ना अभी आपको ना तो मैं समझाने वाला हूँ उस पर है ना, ना तो उस पर हम ज़्यादा बात करने वाले हैं, जस्ट जो मैं बोलूँगा वो ध्यान रखना, क्या कि यहाँ पे ना एक, और
किसी को अगर समझना डेप्थ में, तो इससे पहले भी लेक्चर मैं डाल रखा हूँ यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, लेकिन मत जाओ अभी, मत जाओ, ये मेरा सजेशन है। इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है गेट में, है ना। सो जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा फॉलो करो भाई, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक इस तरीके से डालूंगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर आपका नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाला जो है, ये जो रेड कलर का लाइन खींच दिया हूं अभी, ये आपका कॉमन नॉर्मल, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड माय डियर, ये जो एंगल बनता है यहां से, अगर ये जो पिच पॉइंट है वहां से एक टेंजेंट खींच दिया, ये टेंजेंट खींच दिया, और ये जो कॉमन नॉर्मल है, यही आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। यही आपका क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स। यही आपका नॉर्मल फोर्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मल फोर्स, है ना। सो नॉर्मल फोर्स जो ट्रांसमिट करेगा गियर, नॉर्मल फोर्स जो ट्रांसमिट करेगा गियर, लेट अस एज्यूम एफ, वो इस डायरेक्शन में करेगा। और ये जो एक टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ किए किस पे, पिच पॉइंट पे, टेंजेंट टू पिच पॉइंट। पिच पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो, और ये जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो, है ना, दोनों के बीच का जो एंगल है, वही आपका कहलाता है प्रेशर एंगल। वही आपका क्या कहलाता है, प्रेशर एंगल। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का जो एंगल है वो प्रेशर एंगल कहलाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड, ये बात समझ में आई है ना कि इस तरीके से कुछ होने वाला है। नहीं आया तब भी इतना ध्यान रखना कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, प्रेशर एंगल, कितना बना रहा है, प्रेशर एंगल। और यहाँ पे जो फोर्स ट्रांसमिट होगा, अब ये बताओ, ये ऐप के दो कंपोनेंट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सर, इस ऐप के दो कंपोनेंट पॉसिबल है। एक हो जाएगा ऐप कॉस फाई और एक हो जाएगा ऐप साइन फाई। सो माय डियर फ्रेंड, जो एप साइन फाइव है वो किधर जा रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गियर, मतलब वो बियरिंग में जाके कैंसल होने वाला है, और ये कहलाता है रेडियल फोर्स। ये क्या कहलाएगा, रेडियल फोर्स। सो आपका नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो दो तरीके के आया, एक आया रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स जो कि बियरिंग में जाके कैंसल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है जो नॉर्मल फोर्स जो ट्रांसमिट होगा वो इनटू साइन फाई, ये रेडियल फोर्स जो बियरिंग में जाके कैंसिल होगा। एप कॉस फाई इज नोन एज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में 90 डिग्री, अगर ये सेंटर हुआ तो इससे 90 डिग्री टेंजेंशियल, यस सर, ठीक। सो टेंजेंशियल फोर्स ये होता है एप कॉस फाइव, एप कॉस फाइव टेंजेंशियल फोर्स, ठीक ठीक है सर। एप कॉस फाइव आपका टेंजेंशियल फोर्स होने वाला है। दोनों में ये वाला फोर्स तो किस पे जा रहा था, बियरिंग में जाके कैंसिल हो जा रहा था। ये वाला जो फोर्स है एप टी, दैट इज योर टेंजेंशियल फोर्स, एप कॉस फाइव इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द गियर। यार अगर मुझे ये रेडियस पता है, लेट अस एज्यूम दिस इज नथिंग बट पीस सर्कल रेडियस, अगर ये पीस सर्कल टू था तो ये आर टू हो गया। सो आर टू इंटू दिस वन विल बी द टॉर्क फॉर द गियर, और यही गियर को घुमाएगा, यही गियर को घुमाएगा। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द गियर। रोटेट द गियर, रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द गियर, ओके। नाउ माय डियर, आप देख सकते हैं
कि जो आपका रिस्पॉन्सिबल है गियर को रोटेट करने के लिए, दैट इज योर टेंजेंशियल फोर्स। इसी की वजह से टॉर्क आएगा। कैसे टॉर्क आएगा सर? पिस्टन का रेडियस को अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही मेरा रिस्पॉन्सिबल टॉर्क है जो गियर को रोटेट कर रहा होगा। ठीक, अगर इस पे देखोगे आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है वो कॉस के टर्म में है। सो कॉस में अगर एंगल बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू कम होती है। कॉस 90 इक्वल टू 0, कॉस 0 इक्वल टू 1। सो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा कॉस की वैल्यू कम होते जाएगी। सो आपकी चाहत क्या रहेगी कि प्रेशर एंगल कम हो कि ज्यादा हो? आपको तो ज्यादा फोर्स ट्रांसमिट करना है ना। सो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि प्रेशर एंगल कम हो। सो मैक्सिमम प्रेशर एंगल अगर मैं बोलूं तो 25 डिग्री इन जनरल मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं स्पेशल केस कोई कंसिडर नहीं किया। सो मैक्सिमम 25 डिग्री तक आपको प्रेशर एंगल देखने को मिलता है। ठीक, सो आपका क्यों कम हुआ प्रेशर एंगल, क्यों आपका ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? एज फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो कॉस फाई की वैल्यू कम होगी। कॉस फाई की वैल्यू कम होगी सो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से आपका फोर्स ट्रांसमिट होने वाला है, जिसकी वजह से गियर घूमने वाला है वो कम हो जाएगा। सो गियर अब घूम ही नहीं पाएगा। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये वैल्यू अगर कम होते 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 इतना कम हो गया कि वो उतना टॉर्क ही क्रिएट नहीं कर पा रहा है कि गियर आगे बढ़े। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो देयर विल बी जैमिंग, है ना, वो जाम हो जाएगा। ठीक, सो ये कंडीशन है। दैट्स वाई प्रेशर एंगल शुड बी कीप स्मॉल, है ना, ये आपका स्मॉल रखना चाहिए, प्रेशर एंगल को स्मॉल रखना चाहिए। क्लियर है? ठीक, सो टिल नाउ जो बातों को मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है वो ध्यान रखना, और ये सारी चीजें यूज होंगी आपको सवाल बनाने में, काफी हेल्प मिलने वाला भाई। ये लेक्चर जो है ना, मैं अगर मैं बोलूं जिस तरीके से मैं थ्योरी ऑफ मशीन के आपके लेक्चर आपको लेक्चर दे रहा हूं वो उसी वे में दे रहा हूं, ताकि आप सवाल बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ये आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है ये सब्जेक्ट, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला है ना, बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूं एक जो पड़ाव था वेलोसिटी एक्सीलरेशन वाला, वो बहुत प्यार से बहुत स्मूथली हमने फॉलो वहां से निकल लिए, है ना, वहां से हो गया हमारा। अगर मैं बोलूं कोई भी सवाल आप देखते होंगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन का, उतना पूरा लेक्चर अगर आपने फॉलो किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आपसे बनना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बोलूं गियर का ये बेसिक था भाई, ये बेसिक था, इसके बाद अगर मैं बोलूं आपका गियर ट्रेन जहां से मेनली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, सो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, शेयर करो डियर। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए। आपको भी पता है कि ऐसा तो है नहीं कि फिजूल की चीजें हो रही है, बहुत अच्छी चीजें आपको मिल रही है। सो ज्यादा से ज्यादा मुझे पहुंचाइए लोगों तक, और मैं अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।